students. In exercise 1.7 we have a statement और हमें उस statement को explain करना है. क्या पूछा गया? Electrostatic field line is continuous curve and a field line cannot have sudden break. Explain. इसने कहा है कि जो electric field line होती है वो continuous curve होती है और उनके बीच में कोई भी break नहीं होता. ऐसा क्यों? तो समझिए, हमें मालूम है अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइन उससे बाहर की ओर निकलती है, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड. और चार्ज अगर निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइन रेडियली इनवर्ड होती है. यानी हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा प्लस से चलती है और तब तक चलती रहती है जब तक उन्हें कोई निगेटिव चार्ज ना मिल जाए. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द निगेटिव चार्ज. यानी कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन जब भी चलेगी प्लस से चलेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक उसको कोई निगेटिव चार्ज ना मिले. हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट सडन ब्रेक. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है. इन दिस क्वेश्चन वी ऑल्सो हैव अ सेकेंड पार्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर. एक्सप्लेन. हमसे पूछा गया है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी. तो हमारे पास एक कंसेप्ट है, एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइन. हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक लाइन है उस पर इनफाइनाइट पॉइंट है. अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट उस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन को रिप्रेजेंट करता है. एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइन द टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. चलिए हमने क्या किया, हमने दो इलेक्ट्रिक लाइन कंसिडर करी. लेट वी हैव इलेक्ट्रिक लाइन वन एंड इलेक्ट्रिक लाइन टू. और ये दोनों मान लीजिए एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं. अब अगर मैं इस पॉइंट पर वन के रिस्पेक्ट में टेंजेंट लूँ तो ये भी मेरी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर मैं इसी इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक लाइन टू पर टेंजेंट बनाऊंगा तो ये जो टेंजेंट है ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन. यानी इंटरसेक्शन पॉइंट पर इसके रिस्पेक्ट में एक टेंजेंट मिलेगा और दूसरे इलेक्ट्रिक लाइन के रिस्पेक्ट में भी क्या मिलेगा, एक टेंजेंट मिलेगा. यानी दो टेंजेंट यानी दो इलेक्ट्रिक लाइन, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही इलेक्ट्रिक लाइन होती है. इलेक्ट्रिक लाइन चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन चाहे कितनी भी हो लेकिन वे मिलकर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है और उनका डायरेक्शन भी क्या होता है, एक ही होता है. If two electric lines cross each other, then at the point of intersection, we have two tangent. Two tangent yani two direction of electric field, which is impossible. Hence, electric line never intersect each other. बहुत ही simple सा explanation है, लेकिन बहुत ही important question है, कई बार आपसे पूछा जाता है.